हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर ओके गाइस। तो आज की क्लास से हम अपना एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, जो रहेगा हमारा क्लास 12th की ज्योग्राफी के लिए, जिसमें जो हम बुक की स्टार्टिंग कर रहे हैं वो रहेगी हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये तो हमारा चैप्टर का नेम है, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले जो हमारी बुक का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि इस बुक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे तो अपने नाम से ही शो कर रही है ह्यूमन ज्योग्राफी कि वो ज्योग्राफी जिसके अंदर हम ह्यूमन के बारे में स्टडी करेंगे वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, लेकिन फिर भी हमें इसको एक सिस्टम से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी को। क्लास 11th में हमने फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा, मतलब हमारी जो बुक थी वो कौन सी थी, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने किन किन चीजों को देखा या फिजिकल ज्योग्राफी होती क्या है, वो चीजें जो हमारी नेचर ने हमें प्रोवाइड कराई हैं या वो चीजें जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। लाइक आपके माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स को आप देख सकते हो और वो हमने बनाए नहीं है, वो नेचुरली हमारे सामने। उसी तरीके से आपके डेजर्ट्स एंड उसी तरीके से आपके रिवर्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ही लिखे हैं यहाँ पे। उसके बाद अभी क्लास 12th में हमारे पास आएगा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब कि वो सारी की सारी चीजें जो ह्यूमन ने खुद बनाई हैं, वो किसके अंदर आएंगी, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आएंगी। ये दोनों पार्ट्स जो आपके हैं वो क्लियर हो गए। तो इस तरीके से जो हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कौन से पार्ट आएंगे, ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें ज्योग्राफी की कि व्हाट इज ज्योग्राफी, तो आप ये कह सकते हो ह्यूमन का और नेचर का आपस में क्या संबंध है, जब हम उस रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं वो है हमारी ज्योग्राफी। द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द नेचर इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और भी एक सिंपल डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है हमारी, ज्योग्राफी इज अ फील्ड ऑफ, ज्योग्राफी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ इंटीग्रेटिव एम्पीरिकल एंड प्रैक्टिकल। यानी कि ज्योग्राफी क्या है, एक फील्ड है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इंटीग्रेटिव एम्पीरिकल और प्रैक्टिकल। मीन टू से एट द एंड ये कहता है कि जो ज्योग्राफी है वो हमारा एक आर्ट ही ना होके, सिर्फ एक आर्ट नहीं है, दिस इज अ साइंस आल्सो। कि ज्योग्राफी एक आर्ट ना होने के साथ साथ एक साइंस भी है, सिर्फ एक चीज हम इसमें स्टडी आउट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि हमारी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी और हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी, इन दोनों का आपस में क्या लिंकअप है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फिजिकल ज्योग्राफी है क्या उसका इंपैक्ट हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर पड़ता है, या हम कह सकते हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी है क्या उसका इंपैक्ट हमारे ह्यूमंस के ऊपर पड़ता है। जब हम उसकी स्टडी करते हैं, उस इफेक्ट की स्टडी करते हैं, वो होती है हमारी ज्योग्राफी। लाइक आपको एक एग्जांपल दे देती हूं, एग्जांपल से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आपको पता है पोल्स का, पोल्स पे क्या है, बहुत ही ज्यादा ठंड है। ये जो पोलर रीजन है हमारा, ये दोनों तरफ क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पे आइस ही आइस है। अब हमारे यहाँ पे अगर इंडिया की बात करते हैं, तो जब हमारे यहाँ पे
विंटर्स होती हैं, तो उस टाइम पे हमें किसकी नीड होती है, गर्म चीजों को खाने की और गर्म कपड़े पहनने की नीड होती है। तो इसी तरीके से फिजिकली वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा है कि वहां पे ठंडा एरिया है, ठीक है, ठंड है, तो वहां के लोग, पोलर रीजन के लोग कैसे कपड़े वियर करना पसंद करेंगे, गर्म कपड़े। उसी तरीके से आप डेजर्टेड एरिया की बात कर लीजिए। डेजर्ट्स के अंदर क्या मिलता है, हमें गर्मी देखने को मिलती है, गर्मी फील करते हैं, और जब हमारे पास गर्मी होती है तब हमेशा हम हल्के कपड़े, सॉफ्ट कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, ह्यूमन के ऊपर। फिजिकली हमें क्या प्रोवाइड हो गया, वहां पे डेजर्ट प्रोवाइड हो गया। अब ह्यूमन के ऊपर उस डेजर्ट के अंदर जो सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ह्यूमन ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द डेजर्ट अपना जो खाने पीने का सिस्टम है, अपना जो पहनने का, अपने जो रहने का सिस्टम है, उसको उसी के। तो इस तरीके से डेजर्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा ह्यूमन की लाइफ के ऊपर, कि उसने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हल्के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया, ऐसी ही चीजें खानी स्टार्ट कर दी, उसी तरीके से रहना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ज्योग्राफी का क्या लिंक होता है, जो फिजिकल एनवायरमेंट है या जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो इम्पैक्ट डालती है आपकी ह्यूमन की लाइफ के ऊपर। और हम ये कह सकते हैं कि इसी वजह से ये जो दोनों है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, आपस में इंटरलिंक होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जैसे कि हर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, एक ड्यूअलिज्म का सिस्टम है। ड्यूअलिज्म का मतलब होता है द्वैतवाद, मतलब कि दो तरह की चीजें, ठीक है, ड्यूअलिज्म। तो क्या हमारी ज्योग्राफी के साथ भी ये ड्यूअलिज्म की सिचुएशन है? अगर क्वेश्चन आपके सामने ये आता है तो आपको आंसर करना है यस, हमारी ज्योग्राफी के साथ भी ये ड्यूअलिज्म की सिचुएशन है। हाउ, मैं उसको अभी बता देती हूं आपको, कैसे हमारे ज्योग्राफी में भी द्वैतवाद की सिचुएशन देखने को मिलती है। जैसे कि हमारी ज्योग्राफी में क्या होता है, लॉ मेकिंग, ठीक है, लॉ मेकिंग से रिलेटेड लगा लो, थ्योरीजिंग से लगा लो, आप लगा लो नोमोथेटिक, इन तीनों तरीके से लगा लो। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में आप दिमाग में रखो कि क्या होता है, मान लो किसी पर्टिकुलर रीजन का जो क्लाइमेट है, वो वहां पे वैसा क्यों है, ठीक है। उसके बाद जब ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से स्टडी आउट करते हैं, आइडियोग्राफिक देखते हैं, तो जब हम उसको देखते हैं तो हम कैसे फील करते हैं, हम उसको थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारी ज्योग्राफी है उसने कैसा काम किया, एक आर्ट का काम किया। तो इस तरीके से ड्यूअलिज्म को इसने प्रूव कर दिया कि कहीं पर तो हम ज्योग्राफी में साइंस का यूज कर रहे हैं और कहीं पर हम कर रहे हैं आर्ट का यूज। तो वी कैन से दैट ज्योग्राफी इज नॉट अ साइंस, इज नॉट अ आर्ट, इट इज अ साइंस एंड आर्ट बोथ आर, ठीक है, कि ना तो ये एक साइंस है ना तो ये एक आर्ट है, ये आर्ट और साइंस दोनों है, ठीक है। तो ये अपने आप में इस चीज को प्रूव कर रहा है। बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूअलिज्म को शो कराने का, वो ज्योग्राफी कैसे शो कराता है, जैसे हम किसी भी रीजनल लेवल पे लगा लो, रीजनल लेवल पे, या फिर हम किसी भी पर्टिकुलर रीजन की सिस्टमैटिक तरीके से, या तो हम किसी रीजन को लेंगे, जैसे आपने ले लिया कनाडा, हम इसकी स्टडी करेंगे कि कनाडा में जो भी सिचुएशन है वैसी क्यों है, दूसरी कंट्रीज के साथ ऐसा क्यों नहीं है, या फिर आप एक सिस्टम से उठा लो चीजों को, कि सिस्टम वन बाय वन जब हम स्टडी करेंगे, तो रीजनल लेवल पे भी देख लो या सिस्टमैटिक लेवल पे भी आपको ज्योग्राफी के अंदर एक द्वैतवाद, एक ड्यूअलिज्म देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें ये भी नहीं पता चलता है कि हमें ज्योग्राफी को
थ्योरेटिकली पढ़ना चाहिए या हिस्टोरिकली पढ़ना चाहिए? मतलब थ्योरेटिकली चीजें देखते हैं तो हमें कुछ और दिखाई देते हैं और हिस्टोरिकली चीजें देखते हैं तो हमें कुछ और दिखाई देते हैं। तो ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आती है कि थ्योरेटिकली देखें थ्योरेटिकली और हिस्टोरिकली, इनका भी हमें नहीं पता। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारी ज्योग्राफी के अंदर एक ड्यूअलिज्म की सिचुएशन रहती है, जैसे कि हर सब्जेक्ट के अंदर रहती है। तो इस तरीके से ये दोनों